चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक हैं और सुबह का ब्लॉग तो आप लोगों के पास पहुंच ही गया है। आज डे टू है नवरात्रि का और शाम को हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोगों का प्लान है कि हम लोग श्री भूमि जाए। पता नहीं अंदर कितना जा पाएंगे क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, सब बोल रहे हैं, तो वी डोंट नो, लेकिन ट्राई ले रही हूँ और आप लोगों को साथ में लेके चलती हूँ। मयंक और शिखर जी का लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिलहाल मैं अपना लुक इंस्टाग्राम में डालने वाली हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और मयंक और शिखर जी का लुक आप लोग पहले देख के आइए, तब तक मैं निकलने का तैयारी करती हूँ। हम लोग एक्चुअली ये क्लॉक टावर के सामने पहुंच गए हैं। ये गीतांजलि क्लॉक टावर है और शायद मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। और ये देखिए इतना ज़्यादा रोड में, मतलब रोड पूरा जाम है क्योंकि श्री भूमि का पंडाल ऑलरेडी खुल चुका है, डिज्नीलैंड। तो बस ये देखिए यहाँ से श्री भूमि का गेट दिखाई पड़ रहा है, तो थोड़ी बहुत जाम क्लियर हुआ तो हम लोग निकलने लगे और दूर से ही हम लोगों को दिख गया श्री भूमि का पंडाल का जो गेट होता है। लुक एट दिस, ये गेट अभी आधा है, तैयार नहीं हुआ है क्योंकि ये क्लिप जब तक मैंने शूट किया था 1 वीक बाकी था। और ये देखिए लुक एट दिस, दूर में आपको दिखाई पड़ रहा है ना, और ये पीछे वाला रास्ता है, सामने में रोड पूरा क्लोज है। तो पीछे का रोड से हम लोग जा रहे हैं पंडाल की ओर क्योंकि सामने पार्किंग का कोई भी जगह अवेलेबल नहीं है। आपको स्कूटी कहीं रखना पड़ेगा या फिर गाड़ी लेके जाओ तो कहीं रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा। और रास्ते में हम लोगों का ये वाला पंडाल मिल गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फाइनली ये छोटे छोटे गलियों के अंदर से होते हुए हम लोग शिवभूमि पंडाल के पास पहुँचे। और हम लोगों को ये रोड मालूम है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों का एक फ्रेंड का घर पड़ता है, बहुत बार हम लोग आए हुए हैं तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा पता है। गाइस हम लोग अभी आए पीछे का तरफ का रास्ता से, रोड से और गली के तरफ से हम लोग अभी आए हैं क्योंकि वहाँ से तो सामने से घुसना पॉसिबल है नहीं, तो बस गली गली से। पिछले साल भी आई थी ना, तो वो ब्लॉग अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वेटिकन सिटी। और अभी मैं पीछे की तरफ से हम लोग पहुँच रहे हैं डिज्नीलैंड देखने के लिए, मैं गली दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और ये ना पीछे के तरफ का रास्ता है, जो गलियां बोलते हैं ना वही है, एकदम पीछे के तरफ से। मेन रोड पे तो पूजा के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लेकिन पीछे जहाँ पे मतलब सबका घर है, फ्लैट है, तो वो जगह थोड़ा खाली रहती है। और श्री भूमि का पंडाल जहाँ पे होता है ना, उसका एकदम पीछे जिस रास्ता से रोड से हम लोग जा रहे हैं ना, वहीं पर हम लोगों का एक फ्रेंड का घर है, तो हम लोग यहीं से बहुत बार आना जाना किए हैं। पिछले साल भी आए थे तो हम लोग यहीं से आए थे। तो ये देखिए मेन श्री भूमि का पंडाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। शुरू से ही इतना सुंदर लाइटिंग किया है, इतना अच्छा से सजाया गया है। और भीड़ भाड़ देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मंडे का दिन था और मंडे का दिन इतनी ज़्यादा भीड़। और यहाँ से मैं आप लोगों को सिर्फ पंडाल दिखा रही हूँ, इतना मतलब ठीक ठाक था, सोची थी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगा सिर्फ। और भीड़ में देखिए हम लोग का चलते चलते हालत ख़राब हो गया, एक बार घुस गया भीड़ में तो बाहर निकलना इट्स इम्पॉसिबल। और बच्चों को लेके तो इट्स मतलब बहुत ही ख़राब हालत हो गया था हम लोगों का। हम लोग सोचे थे लेज़र शो होगा, जो डिज्नीलैंड का डिज्नी का कैसल है वैसा कुछ होगा,
लेकिन वैसा कुछ नहीं था। सामने एक थोड़ा बहुत डिज्नी का कैरेक्टर दिया हुआ था, आप लोग खुद ही देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन चलो एक नज़र में ठीक ठाक ही लगा, लेकिन बच्चों को लेके इतना ज़्यादा भीड़ में मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था हम लोगों को, लेकिन क्या ही करें, बच्चों का जिद है कि मम्मा डिज्नी लैंड देखना है, तो चलो पापा डिज्नी लैंड देखना है, तो इसलिए हम लोग आ गए थे। तो ये ठीक ठाक ही है यहाँ पे कुछ डिज्नी का कैरेक्टर, लेकिन आदमी का भीड़ आप सिर्फ देखो, मतलब सेब सर है, काला काला सर था, मतलब मंडे का दिन इतना भीड़ होगा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम लोग सोचे थे चलो सैटरडे ओपनिंग हुआ है, सैटरडे संडे भीड़ तो होगा ही, लेकिन मंडे से नहीं होगा। लेकिन देखिए आप पंडाल देखिए और नीचे आदमी लोग का भीड़ देखिए, यहाँ से पंडाल का ओवरव्यू अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर हम लोगों को रुकने नहीं दिया, हम लोगों को जस्ट मतलब घुसना था और वहाँ से निकाल दिया, मतलब 2 सेकंड भी माँ के सामने खड़ा होने नहीं दिया था। तो बस जितना हो सके मैं कवर कर लिया, आप लोग देखो। मतलब उतना कुछ खास नहीं लगा इस बार डिज्नीलैंड, इससे अच्छा तो लाइटिंग वगैरह नॉर्मली लगा, पता नहीं किस चीज का क्रेज है। और मैं तो फिर जिद करने लगा कि मम्मी चलो फिर देखेंगे, लेकिन नहीं, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है ना, बहुत। हम लोग ये लेके रिस्क लेके बच्चा लेके गए, बच्चों के साथ अगर आप लोग आना चाहो तो मैं रेकमेंड करूँगी मत आओ गाइस। ऐसे मतलब सुबह में आके देख के चले जाओ ठीक है, ऐसे कुछ इससे अच्छा आप हाथी भगवान का पंडाल सब देखो, कुछ थीम है, सुरुचि शंगो देखो, कुछ थीम है, अच्छा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ कुछ समझ में ही नहीं आया, इतनी ज़्यादा भीड़, बाप रे बाप। चलो पीछे के रास्ता से वापस चलती हूँ भाई, एक तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ और ऊपर से बहुत हाई फाई कुछ है नहीं। आप लोग आना चाहो तो दिन में आओ फिर, हाँ हाँ चलिए, हस्बैंड बुला रहे, थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ ना, इतना बाप रे बाप क्रेज़ इतना श्रीभूमि का, वैटिकन सिटी फिर भी मुझे अच्छा लगा था, पर्सनली मेरा कहना है ठीक ठाक है, खराब भी नहीं बोलूँगी, ठीक ठाक है। आप लोग आ सकते हो, चेक कर सकते हो बच्चों के साथ, तो बिल्कुल बताओ, मतलब बच्चा लेके आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। चल हम लोग निकल गए हैं श्री भूमि से, आप लोग अगर गाड़ी लेके आ रहे हो तो पार्किंग का जगह नहीं मिलेगा पहली बात, और अगर स्कूटर बाइक, जैसे हम लोग स्कूटी लेके आए हैं तो स्कूटी बाइक लेके आओ, तो हम लोग वो गली में पार्किंग किए थे लेकिन वहाँ से निकलने दे नहीं रहा, पूरा घूम के आपको आके फिर से अपना मतलब व्हीकल्स के पास पहुँचना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग पीछे वाले एक रास्ता है वहाँ से हम लोग जा रहे घर की तरफ। चलो
घंटे के बाद हम लोग जाम से निकले हैं। पीछे के रास्ता में इतना ज्यादा जाम पता नहीं था हम लोगों का, रोड पूरा क्लोज्ड एकदम, मतलब अभी जो दिख रहा है ना खाली, पीछे में इतना ज्यादा जाम था आधे घंटे के बाद। आज तो सच में श्रीभूमि देखने हम लोग आए पूरा फंस गए। आगे से रोड क्लोज है, पीछे से रोड क्लोज है, सिर्फ पैदल चलो, आप पैदल चलो वो भी आपको नहीं मिलेगा ठीक से, और ऊपर से पंडाल देखने के बाद मतलब खड़े भी नहीं होने दे रहा है, पूरा डिजास्टर हो गया हम लोगों के साथ। चलो फिलहाल घर चलती हूँ, और तो कहीं जाना है नहीं, मैं जा रही हूँ ये देखो। कोलकाता स्टेशन का साइड से चलो घर पहुंची हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के। जो लोग मेरा मुर्शिदाबाद वाला ब्लॉग देखे होंगे उन लोगों को तो पता ही है कि कोलकाता स्टेशन मेरे घर के एकदम सामने पड़ता है, 10-15 मिनट का दूरी में ही। तो वो पीछे का रास्ता है श्रीभूमि का, तो बस वही रास्ता से हम लोग आ रहे थे। तो आज एकदम रोड क्लोज था, जाम थी, भीड़ भाड़ था, बहुत ही डिज़ास्टर हुआ हम लोगों के साथ। मैं फाइनली घर पहुँचते पहुँचते ये घर का मेन रोड के तरफ हम लोग आ गए, तो आके देखे यहाँ पर कितना सुंदर लाइटिंग से सजाया हुआ है। लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ कि देखो कितना अच्छा सजाया गया है मेरा घर के थोड़ी ही दूर में। घर के सामने ये नहीं है, थोड़ी दूर में है, तो बस लेकिन ये घर का एकदम क्लोजेस्ट रोड है, तो बस इतना खूबसूरती से सजाया था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये जो अम्ब्रेला है ना लाइट्स वाली, तो ये देख के मैं एकदम एक्साइटेड हो गया था कि मम्मा ये लाइट्स वाले अम्ब्रेला है और पापा मुझे ये ला दो, मुझे चाहिए। तो मतलब होता है ना बच्चों का, कोई चीज़ देखो अच्छा लग गया तो लाइट्स वाले अम्ब्रेला चाहिए। तो ये तो चलो फिलहाल अभी घर पहुंचती हूँ, और ये हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग। बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चाय बना रही हूँ, तब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। कल रात को कुछ शूट में नहीं कर पाई थी एक्चुअली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और कल रात को मैंने और कुछ शूट नहीं किया, इतना ज़्यादा डिजास्टर हो गया। कल रात को इतना ज़्यादा रोड पे हम लोग जाम में फंस गए थे ना कि आप देखिए आधा घंटा में मैं वहाँ से हम लोग निकले, वहाँ से दूसरे जगह पहुँचे, वहाँ पे जाम में फंसे। मतलब हम लोग का घर पहुँचे 9:30 बजे 9:30, तो इसके बाद इसलिए मैंने और कुछ शूट नहीं किया। इतना टायर्ड भी हो गई थी और इतना चिड़चिड़ा हो गए थे हम लोग कि एक इतना अच्छा मूड बना के हम लोग निकले थे और इतना ज़्यादा हम लोगों के साथ डिजास्टर हो गया। एनीवेज चलो ऐसे ठीक ठाक ही है, पंडाल में कोई खराबी नहीं है, लेकिन चलो ठीक ही है, कोई बात नहीं। एनीवेज तो आज मैं भी फिलहाल नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप लोगों के साथ मिल रही हूँ और मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे चाय। इसके बाद पूरा दिन का प्रोग्राम पड़ा हुआ है, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों का नवरात्रि कैसे जा रहा है और दुर्गा पूजा कैसे जा रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग हो गए हैं रेडी और निकल रहे हैं वहीं का पीटीएम के लिए, और मैं साड़ी इसलिए पहनी हूँ, ये मेरा साड़ी, मैं आपको साड़ी का लुक पूरा दिखा रही हूँ थोड़ी देर में। और मैं अभी पीटीएम में जा रही हूँ क्योंकि साड़ी पहन गई, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। आज मंदिर में बहुत सारा काम है, दुर्गा पूजा आ चुका है। और ये देखिए कहाँ जा रहा है, स्कूल। आज पीटीएम है तो थोड़ा बहुत टेंशन तो कर ही रहा है, मेरा टेंशन नहीं हो रहा है। चलो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, अब जो करेगा देखा जाएगा। फिलहाल गर्मी तो बहुत है, बेहद है बाबू मेरा देखे। चलो ये है मम्मी और बेटा और मैं अपना साड़ी का फुल लुक दिखा रही हूँ, तब तक चलिए निकलते हैं। जी के
कैसा लगा मेरा आउटफिट, मेरी साड़ी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और हम लोग तैयार रेडी हो चुके हैं अभी निकलने के लिए, तो लेट नहीं करना है आज, एकदम 8:30 तक स्कूल में पहुंचना है। मैं पहुंच रही हूँ अभी, पीटीएम में जा रही हूँ, शायद स्कूल में तो व्लॉगिंग में नहीं कर सकूँगी, अलाउड तो नहीं होगा, किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं होता है। तो फिलहाल मैं निकलती हूँ शेखर जी के साथ, तो सब रेडी हो चुके हैं और एक्चुअली मंदिर जाऊंगी, वहां जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिलहाल चलो पीटीएम के लिए निकलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है, 9 बजे का टाइमिंग है, ऑलरेडी 9:15 बज चुके हैं। चलिए निकलते हैं, गुड मॉर्निंग। और पीटीएम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में, मतलब हम लोग आ गए थे मंदिर में, और ये जो रूम देख रहे हैं ना, ये गुरु भगवान का रूम है। तो बस यहाँ पे बैठ के जितना सारा पूजा का सामान है वो एक कंटेनर में अलग अलग से, नया नया कंटेनर में अलग अलग से इसको सेटल डाउन करना था, तो वही सबसे पहला मेरा काम था। तो बस वही काम मैं पकड़ी हूँ, और पकड़ के मैं सबसे पहले कंटेनर से अलग अलग करूँगी जितना ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि पूजा पाठ में ना ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लगते हैं। तो बस वही ड्राई फ्रूट्स को मैं एक एक करके अलग 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 जगह पे, मतलब नया नया कंटेनर पे रख रही हूँ। ये मेरा आज का पहला काम, दूसरा तीसरा बहुत सारा काम है। एक्चुअली होता है ना कि एवरीडे बेसिस में, अभी दुर्गा पूजा आ गया है तो एवरीडे बेसिस में मतलब काम रहता ही है मंदिर में, तो जो जिसका जिम्मेदारी होता है वो उस हिसाब से काम करते हैं एक्चुअल में। तो बस मेरी जिम्मेदारी यही पड़ा था, 2-3 जिम्मेदारी, तो बस वही मैं निपटाने के लिए आ जाई हूँ। पूरा दिन का प्रोग्राम है मंदिर में, तो बस वही काम मैं कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, और अच्छा भी लगता है, दिल का ना एक सुकून सा मिलता है मंदिर का, भगवान जी का काम करने में, पूजा पाठ करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ी का काम मेरा कम्प्लीट हुआ है, अभी सेकेंड लॉट का जो काम है उसमें मैं लगूंगी फिलहाल। इतना जोर से तबीयत खराब लग रहा है, चलो अच्छा लग रहा है, भगवान का काम करने में भी कुछ सुख मिलते हैं कि आप भगवान का काम कर रहे हो। तो चलो फिलहाल दूसरा काम पे लगती हूँ, यहाँ पे जो रसोई है ना, रसोई का जो सेपरेट एरिया होता है जिसमें सारा स्टॉक रहते हैं, हम लोग यहाँ पे बोला जाता है भाड़ा घर, तो उसका सफाई होने वाली है अभी। और ये हम ही लोग, कुछ औरतें हैं वही लोग कर सकते हैं, तो बस चलो। स्टॉक रूम का हालत बहुत ख़राब है, तो अभी ये एरिया भी डेफिनेटली साफ़ करना है, तो चलो काम पे लगती हूँ फिलहाल। और ये जो एरिया है ना, ये भोग बनने का एरिया नहीं है, ये अलग सा एक छोटा सा स्लैब लगाया हुआ है, किचन की तरह किया हुआ है, क्योंकि मंदिर में जितना सारा भक्त लोग आते हैं ना, तो मंदिर का नियम है कि खाली मुंह किसी को भेजा नहीं जाता है। तो मिठाई उनको दिया जाता है एक, और पानी, उसके बाद चाय पूछा जाता है, और चाय के साथ बिस्किट सर्व किया जाता है मंदिर में। कोई भी मंदिर में आए प्रणाम करने, दर्शन करने, ऐसे खाली मुंह हम लोग नहीं भेजते हैं। तो ये एरिया उसी के लिए बनाया गया है, ये भोग एरिया से पूरा सेपरेट है, अलग है भोग का एरिया से, और ये जो एरिया है ये सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। तो बस ये एरिया मैं साफ करने में जुटी हुई हूँ। और एक्चुअली क्या होता है ना, मंदिर में परमानेंटली कोई तो रहता नहीं है, सब कोई आना जाना करता है, और ये जगह ऐसे ही फैल गया है, तो 10 आदमी होने से जो होता है तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो बस हमको ये लोग भी सपोर्ट करें, ये लोग बहुत उम्रदार है, बहुत पहले से, मतलब मैं छोटे थी ना तब इन लोग को यंग में देखी थी, और ये लोग भी आते मंदिर में सब मिल जुल के हम लोग काम करते हैं, साफ़ सफाई बोलिए। हाँ, भोग का काम में तो हम लोग हाथ नहीं बटाते, उसके लिए अलग टोली है, जैसे दादा है और कोई कोई है, सब मिल के भगवान जी का भोग बनाते हैं, वो उन लोग का डिपार्टमेंट है। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये डिपार्टमेंट मेरा है एक्चुअली, मेरा मतलब हम लोगों का है। तो मेरा मैं नहीं बोलूँगी, मंदिर में ठाकुरबाड़ी में मेरा बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है, मतलब ये जिम्मेदारी मेरा पड़ा है कि आप जितना भी आदमी आए दुर्गा पूजा, ड्यूरिंग दुर्गा पूजा सबको चाय पानी पूछोगे और बना के दोगे, तो बस ये ड्यूटी मेरा है। और ये जगह देखिए कितना अच्छा से मैंने क्लीन कर लिया है, और ये करने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए, पूरा एरिया क्लीन किया। मेरा काम हो गया है मंदिर का, अभी घर की तरफ निकल रही हूँ, प्रसाद वशाद खा गए।
शेखर जी किसी को बुलाए थे और बात कर रहे थे, तो बस इसीलिए मुझे वहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। और बस यहाँ पे चलो घर के लिए निकल रहे हैं, और पीछे पीछे पंडित जी एकदम, मतलब दुर्गा पूजा आने से ना पंडित जी भी का भी काम बहुत बढ़ जाता है। एवरीवन, जस्ट नाउ हम लोग घर आए हैं और थोड़ी सी रेस्ट रेस्ट करेंगे हम लोग अभी, और बहुत टायर्ड लग रहा है गाइस। मैं तो सो ही गया बेचारा आके, और शाम को क्या करेगा, बहुत टायर्ड है। मैं भी बहुत टायर्ड हूँ, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लूँ। और क्या, यहाँ पे आज मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। ब्लॉग में और घर रूम का हालत थोड़ी सी डिजास्टर है, ये सारे धोने हैं, मशीन लगाना है, बहुत सारे काम है, वो अभी शेयर करने जाऊंगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए इसके साथ आगे आज वीडियो का एंड में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज परमा कुर्मी ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। बाय बाय।